अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार अंडा कटलेट की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए मैं 7 उबले हुए अंडे ले ली हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अंडों को 2 हिस्सों में काट लूँगी। इस तरह से काट लेना है। मैं अंडे की जर्दी और सफ़ेदी दोनों अलग कर दूँगी। इस तरह से दोनों को अलग अलग रख देना है। आराम से निकाल लेंगे। इस तरह जर्दी को निकाल के अलग बर्तन में रख लूँगी और जो सफ़ेदी है इसे मैं कद्दूकस कर लूँगी। बहुत आसानी से ये ग्रेट हो जाता है। इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो सारे अंडों को ग्रेट कर लेना है। सभी अंडों को मैं ग्रेट कर ली हूँ, ये तैयार है। मैं ले ली हूँ 300 ग्राम उबले हुए आलू। इन्हें हमें मैश कर लेना है। तो चाहें तो आप मैश कर लें मैशर की हेल्प से, या फिर इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरह से अच्छे से मैश कर ली हूँ मैं। और मैं डाल दूँगी इसमें जो हमने अंडे को ग्रेट करके रखा हुआ है, उसे सारा अंडे डाल देना है। साथ में डालूँगी एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसे मैं बारीक काट ली थी। एक छोटा चम्मच लहसुन डालूँगी जिसे मैं कद्दूकस कर ली थी। और साथ में डाल दूँगी एक छोटा चम्मच अदरक, इसे भी कद्दूकस कर ली हूँ। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 3 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च डाल दूँगी। 3 बड़े चम्मच के करीब मैं हरा धनिया ले ली हूँ, इसे भी डाल दूँगी। आधा छोटा चम्मच डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। भुना कुटा जीरा डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच। और साथ में डालूँगी टेस्ट के हिसाब से नमक, तो मैं 1 छोटा चम्मच नमक डाल ली हूँ। 2 छोटा चम्मच डालूँगी कॉर्नफ्लावर। आप चाहें तो इसकी जगह पर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अब मैं हाथों से इसे मिला लूँगी। तो हमें बस हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है, बिल्कुल भी हाथों से दबाना नहीं है ज़ोर ज़ोर से। इस तरह आराम से मिलाना है हाथों से। ये देखिए तैयार है। अब मैं इसका कटलेट बनाकर तैयार करूँगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, हाथों में लगा लूँगी थोड़ा सा तेल ताकि ये चिपके ना, और थोड़ा सा पोषण लेंगे कटलेट भर का। इस तरह से हाथों से चिपटा कर देना है। और इसमें डाल दूँगी मैं ये जो अंडे की जर्दी है, इसे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ मैं, इसे डाल दूँगी। देखिए इस तरह से डालकर पैक कर देना है। मैं इस तरह लंबा में शेप दे रही हूँ। आप चाहे तो गोल कटलेट भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप अपने पसंद के हिसाब से शेप दे सकते हैं इसे। देखिए तैयार है। इसी तरह सारे के सारे बनाकर तैयार कर लूँगी। एक और बना के दिखा देती हूँ मैं। इस तरह बना कर तैयार कर लेना है हमें। बहुत ही आसानी से बन जाता है। बस जब हाथों पे चिपके तो थोड़ा सा तेल या फिर पानी लगा लें, आराम से बन जाएगा। तैयार है। यहाँ सारे कटलेट बना कर तैयार कर ली हूँ। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैं एक अंडा ले ली हूँ, इसमें एक पिंच नमक डालकर इसे फेंट ली हूँ। तो सबसे पहले कटलेट को हम मैदे में कोट करेंगे। तो यहाँ मैदे में कोट कर ली हूँ। अब मैं डालूँगी इसे अंडे में। अंडे में अच्छे से डिप कर लेना है। और अब हम डालेंगे इसे ब्रेड क्रम में। ऊपर से अच्छे से ब्रेड क्रम लगा देना है इस तरह से। ये देखिए तैयार है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने के लिए पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर ली हूँ। तेल को अच्छे से गरम करना है और एक एक करके कटलेट को डाल देना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही इसे फ्राई करेंगे। तो एक तरफ अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इसे पलट लूँगी और दूसरी तरफ भी अच्छा सा क्रिस्पी हो जाने तक फ्राई कर लूँगी। बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है ये। 2 से 3 मिनट में अच्छे से हमारा कटलेट फ्राई हो चुका है। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। तो यहाँ निकाल ली हूँ और बाकी के सारे कटलेट भी इसी तरह फ्राई करके तैयार कर लूँगी। और मज़ेदार सा हमारा अंडा कटलेट बनकर तैयार है। मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितना मज़ेदार बना है। आप देख सकते हैं इसके अंदर अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर बिल्कुल क्रिस्पी बना है। बहुत ही टेस्टी बनता है ये। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।